पता नहीं यार हमें क्या हो गया हमारे फैमिली को, एक के बाद एक सब तो बीमारी हो रहा है। पहले मुझे फीवर हुआ, 2 दिन से पहले मुझे फीवर आ गया। सडनली सुबह उठा तो मुझे फीवर आ गया, पता नहीं फीवर ऐसे था कि मैं उठ ही नहीं पा रहा था। फिर मैं ड्यूटी चला गया, ड्यूटी से मेरे को नहीं हुआ, बैठने में नहीं हुआ, काम करने नहीं हुआ, तो मैं सीधा आ गया। आके घर पे एक मेडिसिन खाया, डोलो एक खा लिया, खा के सो गया। फिर मुझे उठने के लिए भी नहीं हुआ इतना, मतलब वो डोलो काम ही नहीं किया। फिर बाद में एक पैरासीटामोल, रुको बेटा ना, एक पैरासीटामोल खाया, वो भी काम, थोड़ा वो राहत मिला। फिर बाद में हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, इंजेक्शन दो चढ़ाया, दो इंजेक्शन लिया और ग्लूकोज एक चढ़ा लिया, दो सेलिन चढ़ा, एक एक लीटर का एक बोतल चढ़ाया और 250 ml का एक बोतल चढ़ा के, तब मुझे थोड़ा अच्छा लगा, चलने का लायक बने। तो चल ही नहीं पा, उठ ही नहीं पा रहा था बिस्तर में, इतना हालत खराब हो गया था। तो 2 दिन तक कैसा था, कल तक कैसा था मेरा, आज देखा था सबसे मामा को बुखार हो गया ना। मामा अभी मामा का बड़ी बहुत गर्म लग रहा है ना, बिल्कुल ना, मामा को बुखार हो गया ना, ना वो देखो कैसे रो रही है, बार बार रो रही है, कर रही है, ऐसे ही बुखार हो गया। उसे अभी दिया है मेडिसिन, दिया है, कम नहीं होगा तो कल लेके जाऊंगा मैं हॉस्पिटल। फीवर से मैं उठा, तो फीवर से उठने के बाद क्या होता है ना, तो आपका मुंह का टेस्ट जो है ना बदल जाता है, अजीब सा हो जाता है। तो पता नहीं मुझे बड़ा मन कर रहा था कुछ चटपटा सा और नॉनवेज भी खाना, और नहीं तो थोड़ा तीखा वाला आइटम कुछ खाने के लिए मन कर रहा था। तो सोचा कि आज मटन लाते बनाते खाते हैं, है ना, और मामा का भी तबीयत खराब है, उसे भी थोड़ा सा खिलाएंगे, देखेंगे। तो फिलहाल बनाते हैं मटन, तो दिखाता हूँ कैसे मैं बनाता हूँ और बाद में बताता हूँ कि कैसे बना। तो बने रहिए इस वीडियो में, मिलते हैं। फिलहाल पहले हम आलू फ्राई कर लेंगे, यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है और हम इसमें आलू में डाल देंगे, यहाँ पे कुकर गर्म हो चुका है तो इसमें डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल पे जो टेस्ट रहता है ना वो किसी और में नहीं रहता, मेरा मानना है। आपका जो ऑयल पसंद है उसमें बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी आलू फ्राई हो चुका है, अब यहाँ पे भी तेल भी गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे जो यहाँ पे खड़ा मसाला। तो फिलहाल इसमें डाल देंगे धीरे से प्याज, तो यहाँ पे प्याज हो गया गोल्डन ब्राउन, इसमें डाल देंगे लहसुन, अदरक, ठीक है, तब इसमें डालेंगे हल्दी और यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया मैंने 2 चम्मच, चिल्ली पाउडर डालूँगा मैं 1 चम्मच, क्योंकि मैं इधर जो ड्राई चिल्ली है उससे मैं ग्राइंडिंग करके रखा हूँ, तो इसे मैं डाल दूँगा अभी। अब डाल देंगे इसमें मीट मसाला, आजा बेटू, आजा आजा आजा, गाड़ी घुमा लो घुमा लो, स्टेयरिंग मोड़ लो, इधर को मामा इधर खेल रही है। और हमारा मसाला बनने वाला अभी हो गया, बस थोड़ी देर के बाद डाल लेंगे हम मटन। अब ये हो गया है, इसमें डाल देंगे हम गरम मसाला और खाना खाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अपना राइस आ गया, ठीक है, और ये देखो मटन करी का टेक्सचर देखो और कलर देखो, जबरदस्त है, लाजवाब बनाए, और खा के बताते हैं कैसे टेस्ट है, ठीक है।